नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार अपनी 50 पूरी करते से ही रोहित शर्मा ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है, और जानेंगे कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्या करा है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो नंबर एक के खिलाड़ी बन गए हैं। तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यहाँ पे हम रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी को जानने वाले हैं। और वहीं अगर आप लोग भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। तो चलिए अब आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में चौथे दिन का टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, और वहीं चौथे दिन साउथ अफ्रीका की टीम 441 रनों पर ऑल आउट हो गई, और उसके बाद भारत ने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। और अब खबर बोले जाने तक रोहित शर्मा ने अपनी 50 बना चुके हैं, यानी कि 70 गेंदों में रोहित शर्मा ने अपने 50 रन बना दिए, और चेतेश्वर पुजारा 67 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों पर खेल रहे हैं। तो इसी के साथ भारतीय टीम 149 रनों की लीड से आगे चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा काफी खतरनाक मोड में आ गए हैं, और वो लगातार 50 पे 50 और शतक पे शतक बनाए चले जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों को बताएं कि दक्षिण अफ्रीका की ओर से डीन एल्गर ने सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन 160 रन बनाए, और वहीं क्विंटन डिकॉक ने 111 और कप्तान फाफ ड्यू प्लेसी ने 55 रनों की मूल्य पारी खेली। तो इसी के साथ मैच के दौरान अश्विन और जडेजा ने कुल मिलाकर 9 विकेट झटके, वहीं रविंद्र चंद्रन अश्विन ने 7 विकेट अपने नाम किए, तो रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट चटकाए। तो ऐसे में 149 रनों की लीड के साथ भारतीय टीम अभी मैदान पर टिकी हुई है, और खेल खत्म होने तक देखना होगा कि भारतीय टीम कितने आगे तक रनों को पहुंचाती है। तो इसी दौरान रोहित शर्मा ने एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हां दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच की पहली पारी में 244 गेंदों में 23 और 6 छक्के की मदद से 176 रन बनाए थे, और ये रोहित शर्मा के टेस्ट करियर की पहली ओपनिंग पारी थी। और जबकि दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने 50 रनों का आंकड़ा अभी तक पार कर लिया है। तो इसी के साथ रोहित शर्मा ने मात्र 12 रन बनाकर ही एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जी हां, रोहित शर्मा ने धवन के एक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल शिखर धवन ने बतौर ओपनर के तौर पर अपनी पहली टेस्ट पारी में 187 रन बनाए थे। तो धवन ने ये मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2013 में मोहाली में खेला था। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने पहली टेस्ट मुकाबले में अपने शिखर धवन के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, और उन्होंने शिखर धवन के इस रिकॉर्ड को छोड़ते हुए पीछे बहुत सारे रन बना डाले हैं। तो इसी के साथ रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़कर पहले पायदान पर आ गए हैं, और जैसी ये लिस्ट अपडेट होगी हम आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आरएस न्यूज पे अपडेटेड कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यही वो रिकॉर्ड था जो रोहित शर्मा ने आज मात्र 12 रन बनाकर ही तोड़ दिया। तो आप लोगों का रोहित शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? क्या रोहित शर्मा आगे जो आने वाले रिकॉर्ड है बहुत सारे खिलाड़ियों के, उन्हें तोड़ पाने में सक्षम हो पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।